हाँ, तो अपने बात चल रही थी कि अल्फा कणों का विचलन, तो ये कुछ अल्फा कण तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए थे। तो ये जो अल्फा कण जो विचलित हो रहे हैं अपने पथ से, तो पथ से विचलित होना मतलब टक्कर होना, और टक्कर होने के लिए मैंने आपको बताया कि 11वीं क्लास में भी कि दो कणों का स्पर्श करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि ये अपने आप विचलित हुआ, इसका मतलब कोई एक ऐसा कण है जो बिल्कुल अल्फा कण की तरह ही है, उस अल्फा कण से इस अल्फा कण का प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण में चीज़ें क्या होती है, दूर भागती है, तो उसने इसको प्रतिकर्षित किया और ये अपने पथ से विचलित हो गया। तो इसका मतलब उन्हें पता लगा कि भाई परमाणु में धनावेश तो है, उसी धनावेश ने क्या किया है, इस अल्फा कण को प्रतिकर्षित किया है और ये विचलित हो गया। अब दो सवाल उठते हैं भाई, क्या सवाल उठते हैं दो, नंबर वन, अगर अल्फा कण जैसा कोई कण है जिसने इसको विचलित किया है, तो ज़्यादा मतलब लगभग सारे कण या लगभग बहुत ज़्यादा कण सीधे क्यों निकले, वो विचलित क्यों नहीं हुए, नंबर वन क्वेश्चन, कुछ ही विचलित क्यों हुए। अगर परमाणु में अल्फा कण के जैसा कोई ना कोई दूसरा कण है जो प्रतिकर्षित करता है, तो कुछ कण ही विचलित क्यों हुए, ज़्यादातर कण सीधे क्यों निकले, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टक्कर में जरूरी नहीं है कि पथ का विचलन प्रतिकर्षण बल से ही हो, पथ का विचलन आकर्षण बल से भी हो सकता है। तो यहाँ जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्या कर सकते हैं, अल्फा कण को आकर्षित, भाई इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, और अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन अल्फा कण को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उस केस में ये जो अल्फा कण का विचलन है, जरूरी है क्या वो प्रतिकर्षण बल से ही हुआ, वो आकर्षण बल से भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल से अल्फा कण कभी विचलित नहीं होते। इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, अल्फा कण जो है, अल्फा कण का मैंने आपको जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया भी थे, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 प्रोटॉनों के बराबर, और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 10^4 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 10^-31, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 10^-27, मतलब 10,000 गुना ज़्यादा है। MP > 10^4 ME एंड mα = 4 MP, मतलब कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, और जबकि प्रोटॉन खुद इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, 10,000 गुना, मतलब लगभग 40,000 गुना की बात हो रही है कि भाई जो अल्फा कण है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 40,000 गुना बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण के बीच में आकर्षण बल लगेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आप ही समझिए कि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे से छोटा सा कण इतने भारी कण को आकर्षित कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा। अल्फा कण को प्रतिकर्षित करने के लिए या आकर्षित करने के लिए, विचलित करने के लिए अल्फा कण के जितना ही बड़ा कण चाहिए, तो वो इतना बड़ा कण कहां से आया, बाकी सारे विचलित क्यों नहीं हुए, ये दो बड़े प्रश्न थे। तो इनका जवाब देखो क्या दिया, किसने, रदरफोर्ड ने इसका जवाब दिया कि ये जो पूरा का पूरा परमाणु है, इस परमाणु का जो टोटल धनावेश है, वो परमाणु के बीच में कहीं एक ही जगह पर इकट्ठा पड़ा है। थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा धनावेश है वो फैला हुआ है, नहीं, थॉम रदरफोर्ड ने क्या बात बताई कि सारा का सारा धनावेश एक ही जगह पर केंद्रित है, क्योंकि इतना सारा धनावेश जब एक जगह केंद्रित होगा ना, तभी उसमें इतनी पावर आएगी कि वह अल्फा कण को प्रतिकर्षित करके क्या कर पाए, विचलित कर पाए। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरे का तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, हल्का कण है, तो वो अल्फा कण को आकर्षित नहीं कर पाता है, आकर्षित करता है लेकिन विचलित नहीं कर सकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सारे अल्फा कण विचलित क्यों नहीं हुए, क्योंकि सारा का सारा जो धनावेश है परमाणु का वो एक छोटी सी जगह पर केंद्रित है। तो जो अल्फा कण बहुत दूर से निकले उन पर उसका प्रतिकर्षण बल पड़ा ही नहीं, प्रतिकर्षण बल दूरी के साथ घटता है, ये कुलाम का नियम है, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे, है ना, अभी याद रखें आप। कुलाम कहता है कि जितने आवेशों के बीच में ज़्यादा दूरी होगी उतना बल कम लगेगा। तो मैक्सिमम जो अल्फा कण थे वो, क्योंकि ये इतना बड़ा परमाणु है, अच्छा ये बात मैं आपको बता देता हूँ अभी से, इस बात को उन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, नाभिक, और जिसकी रेंज लगभग कितनी आई थी, कितने बड़ा है ये, 10^-15 मीटर के नाभिक का आकार किस लेवल का है, ये जो धनावेश है ना, जहाँ नाभिक किसको बोला, जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश जिस बिंदु पर केंद्रित है, उस बिंदु को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, नाभिक। और इस नाभिक की रेडियस कितनी बताई, 10^-15 मीटर, मतलब कि जो नाभिक होता है वो परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा है।
तो अब समझ लीजिए 1 लाख गुना कितना छोटा हो गया। तो इतने से छोटे से भाग में नाभिक है जिसमें क्या है परमाणु का टोटल धनावेश। तो जब अल्फा कण परमाणु में से गुजरेगा तो जरूरी है क्या वो सारे अल्फा कण नाभिक के पास से गुजरे? जो पास से गुजरेंगे वो तो विचलित होंगे प्रतिकर्षण बल से, लेकिन जो दूर से गुजरेंगे वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। तो अगला निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि जो सारा का सारा धनावेश है वो परमाणु के किसी छोटे से भाग बीच में है। इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ अल्फा कण क्या हुए हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना सामने आई रदरफोर्ड के, कि भाई ज़्यादातर अल्फा कण तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या हुए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कणों पर नाभिक का क्या लगा, प्रतिकर्षण बल लगा तो विचलित हो गए। 20,000 में से एक ऐसा अल्फा कण था जो यूं गया और उसी पथ पर वापस आ गया। मतलब कि ये सोने की परत है, ये अल्फा कण ये ऐसे गया और वापस आ गया। ज़्यादातर क्या हुए, सीधे निकल गए। कुछ क्या हुए, विचलित हुए। और एक कैसे विचलित हुआ, जिस पथ पर गया उसी पथ पर लौट आया, एकदम रिवर्स 180 डिग्री का विचलन। इससे ये बात और हार्डली और एक स्ट्रांगली प्रूफ हो गई कि भैया बीच में ही है कहीं ना कहीं सारा का सारा जो धनावेश है परमाणु का वो एक ही बिंदु पर सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वही इतना प्रतिकर्षण बल लगा सकता है कि अल्फा कण जैसे आया वैसे ही लौटा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल किसके आया था, नाभिक के बिल्कुल सीध में आया था। समझ रहे हो, जो थोड़ा पास से आया वो यूं विचलित हुआ, जो और दूर से गया वो सीधा निकल गया, और जो बिल्कुल नाभिक के सीध में आया वो बिल्कुल वापस, इतना प्रतिकर्षण बल लगा कि वापस यहाँ था अल्फा नाभिक, सीधा आया, टच नहीं कर सकता, प्लस प्लस है ना, टच कैसे करेगा, वापस चला गया। तो ये बात स्ट्रांगली प्रूफ हो गई कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित है। उस भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाभिक। चलिए, तो ये रदरफोर्ड को प्रयोग से चीजें प्राप्त हुई। तो अब इन चीजों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल दिया, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या अवधारणाएं थी, तो वो हम अब इन निष्कर्षों के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, आप भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ रदरफोर्ड मॉडल की अवधारणाएं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि अवधारणाओं का ही अब दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अभिग्रहित। तो पेपर में अवधारणाएं भी बोल सकता है, अभिग्रहित भी बोल सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की क्या है अवधारणाएं, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अवधारणा है, या अवधारणा को ही क्या बोला जाएगा, अभिग्रहित, है ना। तो पहली अवधारणा या पहला अभिग्रहित क्या होगा रदरफोर्ड का, परमाणु 10^-10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है। ये बात लेनार्ड ने भी बता दी, और ये बात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से एक स्ट्रांग रीजन के साथ में प्रूफ हो जाती है कि परमाणु 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। ये पहली अवधारणा। दूसरी, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये इनकी दूसरी अवधारणा थी कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो परमाणु के भीतर एक छोटे से भाग में केंद्रित है, और उस छोटे से भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, उस छोटे से भाग को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसकी जो त्रिज्या है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, और नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर मापी गई होती है ना। अब रही बात कि परमाणु के बारे में पता लग गया, परमाणु के धनावेश के बारे में पता लग गया,
इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता। और क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन से परमाणु में, जैसे थॉमसन ने तो क्या कहा था कि वो बीजों के रूप में गड़े हुए हैं, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई वो गड़े हुए नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नहीं लगाते चक्कर तो क्या होता, वो नाभिक में गिर जाते। और ऑब्वियसली बात है कि नाभिक में संपूर्ण धनावेश केंद्रित है, तो उसमें धनावेश की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो विद्युत आकर्षण बल से क्या होगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दे तो पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, क्योंकि सूर्य का आकर्षण बल इतना है। लेकिन क्यों नहीं गिर रही है पृथ्वी सूर्य के अंदर, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो सेम वही सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अगर जिस दिन वो चक्कर लगाना बंद कर देगा वो नाभिक में गिर जाएगा। ये तीन अवधारणाएं हैं। चौथी, रदरफोर्ड ने एक बात और बताई, इसके बारे में हमें थोड़ा आगे और अच्छी तरीके से विस्तार से समझने को मिलेगा। अभी मैं लिख देता हूँ चौथी यहाँ पर, चौथी इन्होंने बताई, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंगे उत्पन्न करता है। देखो ये सब चीज़ें, ऐसी बात थॉमसन ने भी बताई थी। थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु में बैठे इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो तरंग उत्पन्न करता है, कंपन करता है। रदरफोर्ड कहता है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग उत्पन्न करता है डी ब्रोगली के अनुसार। याद आया कुछ, क्या कहा था डी ब्रोगली ने कि जब छोटे कण बहुत तेज वेग से गति करते तो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ लगभग 10^6 मीटर प्रति सेकेंड से रोटेट करता है, गति करता है। तो इतने उच्च वेग से गति करेगा तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा तरंग की तरह। समझ में आई बात। अब ये देखो दोनों वैज्ञानिक तरंगों के पीछे क्यों पड़े, थॉमसन ने भी तरंग के बारे में बताया, रदरफोर्ड ने भी तरंग के बारे में बताया। हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हर पदार्थ का, हर परमाणु का कोई ना कोई स्पेक्ट्रम होता है, और ये स्पेक्ट्रम क्या काम करता है, क्यों पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेना जरूरी है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम में होती है तरंगें, इसीलिए हर वैज्ञानिक हर पदार्थ के परमाणु के बारे, परमाणु से उत्पन्न होने वाली तरंगों के बारे में बताता है। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लेता है तो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने से, कंपन करने से तरंग उत्पन्न होती है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग उत्पन्न करता है। तो ये रदरफोर्ड की मुख्य अवधारणाएं थी, चार अवधारणाएं। अब बात आती है थोड़ी सी, हम इसको आगे बढ़ाते हैं रदरफोर्ड की अवधारणाओं को ही। बेसिकली तो अवधारणाएं चार ही है और ये पूरी हो जाती है। एक ग्राफ आता है वो मैं आपको बता दूं, इसको आप पांचवी अवधारणा भी मान सकते हैं रदरफोर्ड की, थीटा और एन। ये थीटा है विचलन कोण, क्या है विचलन कोण, और ये है विचलित अल्फा कणों की संख्या एन। एन है विचलित अल्फा कणों की संख्या कि कितने अल्फा कण विचलित हुए, और थीटा क्या है विचलन कोण। ये कैसे आ रहा है, मैं साथ में परमाणु का मॉडल भी आपको बता देता हूँ। ये नाभिक हुआ, तो थॉम जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार क्या होता है कि ज़्यादातर जो अल्फा कण हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो समझे ना, ये जाना तो इधर चाह रहा था लेकिन ये थीटा बना ना, ये अपने पथ से
इतना विचलित हो गया, इसको बोलते हैं विचलन कोण। और भी अल्फा कण है वो कुछ और ज़्यादा विचलित होंगे, मतलब जो ये थीटा बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो ये जो वक्र है वो क्या समझा रहा है कि आप नोट करो, देखो इधर एक्स अक्ष पर क्या है, थीटा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है मतलब कोण बढ़ रहा है, वैसे वैसे विचलित अल्फा कणों की संख्या घट रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां थीटा लगभग जीरो है, कहां है, यहां है, यहां वाला थीटा लगभग कितना आ रहा है, जीरो के बिल्कुल समीप आ रहा है। थीटा जीरो होने का क्या मतलब है, थीटा जीरो का होने का मतलब है कि अल्फा कण विचलित हुआ ही नहीं, कोण बना ही नहीं, जैसे आया वैसे चला गया। तो जहां थीटा जीरो के नजदीक है वहां एन का मान सबसे ज्यादा है, मतलब जिन अल्फा कणों का विचलन नहीं हुआ उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कि तो हमें भी बताया ज्यादातर अल्फा कण कैसे गए, सीधे। अब जैसे जैसे ये थीटा बढ़ा, देखो कुछ 30 डिग्री से विचलित हुए, कुछ 60 डिग्री से हुए, कुछ 90 से हुए, और मैंने भी आपको एक लास्ट में बताया था 180 डिग्री से, है ना, यूं आया और यूं चला गया। तो ये कितने थे, 20,000 में से एक। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, 30 डिग्री वाले जैसे मान लेते हैं कि 100 अल्फा कण है, उनमें से 50 अल्फा कण है उनके लिए थीटा का मान जीरो है, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। 30 डिग्री वाले अल्फा कण है वो 20 हैं। 60 डिग्री वाले अल्फा कण जो विचलित हुए उनकी संख्या 10 ही है। 90 डिग्री वाले जो अल्फा कण उनकी संख्या 5 ही है। 180 डिग्री वाले की 1 ही है। मतलब कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे विचलित कणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब समझ गए होंगे आप कि भाई ज़्यादातर अल्फा कणों का विचलन कैसा होता है, सीधा, है ना। तो एक एक समीकरण भी आता है ये। एक रिजल्ट है कि विचलित कणों की संख्या समानुपाती 1/sin^4θ/2, और थीटा यहाँ पर क्या है, विचलन कोण। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन का मान भी बढ़ेगा तो एन का मान घटेगा, जितना कोण ज़्यादा होगा उतने विचलित कणों की संख्या कम होगी। तो ये एक रिजल्ट इस ग्राफ से आता है। ये आप पांचवी अवधारणा भी रदरफोर्ड की समझ सकते हैं, क्लियर बात। तो ये बात थी रदरफोर्ड की अवधारणाओं की। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड की कमियां। अच्छा, इसमें एक छठी अवधारणा भी आप नोट कर सकते हैं कि ये जो अल्फा कण विचलित हो रहा है, क्यों विचलित हो रहा है, प्रतिकर्षण बल से। तो प्रतिकर्षण बल को किसने परिभाषित किया था, दो आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल था वो कुलाम ने परिभाषित किया था। तो छठी अवधारणा लिखो तो आप लिख सकते हो कि ये जो अल्फा कण विचलित हो रहा है प्रतिकर्षण बल से, ये किस प्रतिकर्षण बल की बात हो रही है, ये कुलाम के विद्युत बल, कुलाम के प्रतिकर्षण बल के कारण जो अल्फा कण है वो विचलित हो रहा है। तो ये थी रदरफोर्ड की अवधारणा। अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की कमियां, पहली कमी इन शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है हमें, मैं समझा देता हूं आपको। रदरफोर्ड ने कहा था कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंगे उत्पन्न करता है, डी ब्रोगली के अनुसार। अब तरंग है तो ऊर्जा भी है, तरंग प्रकृति में हमने पढ़ा है कि तरंगों भाई अपन भागते हैं तो अपनी बॉडी से हीट निकलती है, अपनी बॉडी गर्म हो जाती है, विकिरण निकलती है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्षय होती है, हम थकते हैं। तो सेम वही काम है, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो तरंगे उत्पन्न करता है। तो फिर ऐसा हुआ, रदरफोर्ड को ये बताया, रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि अगर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार तरंगे उत्पन्न करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ख़त्म होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया परमाणु का तो अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आज तक के सारे परमाणु खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि सारी परमाणु में क्या होता है, परमाणु किसी का भी हो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाता है। अब अगर चक्कर लगाता लगाता इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड लगातार तरंगे उत्पन्न करेगा, तो तरंगे उत्पन्न करने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी, लगातार कमी होगी। तो उस कमी के कारण वो इलेक्ट्रॉन अंत में कहाँ गिर जाना चाहिए, वो उस कमी के कारण अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो ऐसे करते करते तो परमाणु का पूरा क्या हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कमी को शॉर्ट में लिखूं कि रदरफोर्ड
परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा सके। रदरफोर्ड जो है परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके, ये रदरफोर्ड की पहली कमी। तो इसके आगे की कमी हम इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे, तब तक आपको जितना भी बताया गया अच्छी तरीके से वो पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। रदरफोर्ड की कमी हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।